हेलो ट्रेडर, चलिए जानते हैं कि कल मैं ट्रेड कहाँ करूँगा और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का इलेक्शन का दिन था, जिसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इससे क्या हो रहा था कि 500-600 पॉइंट को मार्केट कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो तुरंत ही उसको वह 1 से 2 मिनट में कवर अप कर दे रहा था, जिसके कारण ये रिस्क हो जाता है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तब तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर लीजिएगा, लेकिन अगर वो ज़रा सा भी आपके डायरेक्शन से हिला डुला या फिर कुछ भी हुआ तो वो आपका प्रीमियम इतना तेज़ी से कम कर देगा कि आपको वापस से लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज की अनप्रेडिक्टेबल मार्केट को देखते हुए मैंने आज ट्रेड किया नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे कि जिससे हम कुछ प्रॉफिट निकाल पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया है 48,000 का। तो मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर अगर एक सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगता है तो मैं यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बनाऊँगा। ये बात ऑब्वियस ही है कि मार्केट जितना आज मूव किया है कल तो उतना ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने रिस्क को देखते हुए कुछ ऊपर साइड का ट्रेड बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी में मैं ट्रेड ना ही करूं तो ही बढ़िया है। उसके बाद जब या तो मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और गैप डाउन ओपन हो करके यहां से सपोर्ट लेना शुरू करेगा या फिर यहां से सपोर्ट लेना शुरू करेगा, तब भी मैं यहाँ पर एक बाइंग का ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब सेंटिमेंट था, जिसके कारण मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया है और जो ट्रेडर कल ट्रेड करने आएंगे उनका भी माइंडसेट रहेगा कि मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है, तो वो लोग भी नीचे जाने का ही तैयारी करके आएंगे। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस रेंज में खुल गया तब मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक वॉलेटिलिटी का जोन है। मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कुछ कहाँ नहीं जा सकता, वो किधर जाएगा। इसके कारण मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा और अगर कल मार्केट वोलेटाइल रहा तो वो बहुत ही इजीली हम लोग का स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, तो इसलिए मैं कुछ दिन बाद ही ट्रेड करूँगा, लेकिन अभी के टाइम में मैं ट्रेड अवॉइड करना ही पसंद करूँगा। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तब तो यहाँ पे एक रिटेस्ट के बाद या फिर 20 या 50 EMA के सपोर्ट के बाद मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ का बीच में ओपन होता है तो अगर वो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो मैं यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड ले लूँगा, और अगर वो यहाँ से सपोर्ट लेगा या यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं एक बाइंग का ट्रेड लूँगा। थैंक यू।